नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम आए हुए हैं नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के फार्म पर, और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं नेपियर जो लगा हुआ है। ये देसी नेपियर है और बहुत ही अच्छा माना जाता है देसी नेपियर। इसमें प्रोटीन की परसेंटेज काफ़ी अच्छी पाई जाती है बाकी नेपियर्स की तुलना में। ये देख रहे हैं नेपियर खड़ा हुआ है, इसकी हाइट ज़्यादा नहीं है लेकिन ये घना बहुत ज़्यादा होता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा कल्ले निकल रहे हैं, यहाँ पर कटे हुए हैं, आप देख सकते हैं कितना इसमें कल्ले निकले हुए हैं। हमारे साथ आशीष सर आए हुए हैं जो कि यहाँ से PhD स्कॉलर हैं, और हमारे साथ हैं डॉक्टर बिमलेश कुमार मौर्य, हार्टिकल्चर के विशेषज्ञ हैं। तो इन्हीं के साथ हम आज आके यहाँ पर निरीक्षण करने आए हुए हैं और देख रहे हैं कि कौन सी वैरायटी है यहाँ पर। वैरायटी का तो पता चल गया है और ये काफ़ी अच्छा है नेपियर, यहाँ पर नेपियर की अच्छी वैरायटी मिल रही है और खेती की भी अच्छी तरीके से की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस हिसाब से इन्होंने इसका स्पेसिंग किया हुआ है, यानी कि प्लांट टू प्लांट जो उसकी गैपिंग किया है काफ़ी अच्छे से किया है इन्होंने, और प्लांट भी काफ़ी अच्छे से लगाया है इन्होंने, और नेपियर आप काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। तो आप भी किसान भाई अगर आप नेपियर की खेती करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं इन्होंने लगभग 60 सेंटीमीटर की दूरी पर इन्होंने लगाया है, 60x45 सेंटीमीटर की दूरी रखी है प्लांट टू प्लांट की। अगर आप यही रखेंगे दूरी तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और ये प्लांट तो इस तरीके से अगर आप खेती करना चाहते हैं नेपियर की तो बहुत अच्छा रहेगा और नेपियर अच्छा ग्रो करेगा। तो दोस्तों वीडियो में फ़िलहाल इतना, एक छोटा सा वीडियो था नेपियर के बारे में जो कि नरेंद्र में कैसे की जाती है, संस्थान में एक बड़ा विश्वविद्यालय है, जाना माना विश्वविद्यालय, तो यहाँ से आप सीख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने ग्रो किया है नेपियर ग्रास को। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।